पैराग्लाइडर ट्रेनर मनीष कुमार की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पैराग्लाइडर जिसका नाम मनीष कुमार पुत्र कमल कुमार निवासी जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के रूप में इनकी पहचान हुई। आपको बता दें, जिला रियासी के तहसील पौनी के धनवा क्षेत्र में कल अभ्यास के लिए ये पैराग्लाइडर कर रहा था और ये व्यक्ति जो है वो इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष बताई जा रही है। अभ्यास करते हुए संतुलन बिगड़ने से 11 केवी जो लाइन बिजली की है उस पे गिरा और उसके बाद इसे शॉर्ट के साथ इनको करंट लगा और हवा में लगभग एक से पौना घंटा तक लटकता रहा। लोगों ने देखा और लोगों ने सिवाय कोशिश भरी की, लेकिन हाइट इतनी ज्यादा थी कि लोग जो है इस तक नहीं पहुंच पा रहे थे और किसी ना किसी तरीके से कड़ी मुशक्कत करने के बाद ट्रेनर तक पहुंचा गया था और उसे बाहर उतारा गया था। बहुत पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से इसे उतारा गया था। और आज आपको बता दें, दुखद यह रहा कि आज इन्होंने अपनी अंतिम यात्रा जो है वो इनकी समाप्त हो गई है। इनका इलाज जो है वो जीएमसी जम्मू में चल रहा था। सबसे पहले इनको इधर से रियासी में लाया गया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनका इलाज हुआ, लेकिन इसकी हालत को देखते हुए आनन फानन में डॉक्टरों ने बिना देरी किए हुए जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, आज इन्होंने बताया जा रहा है कि अंतिम सांस ली है और इनकी मृत्यु हो चुकी है। यह एक दुखद समाचार है। एक व्यक्ति जो छोटी सी उम्र में अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए कई ख्वाब देखे थे, लेकिन आज मैं आपको बता दें इनका जो है वो इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और अपना जीवन यात्रा जो है वो इनकी परलोक हो चुकी है। आपको बता दीजिए, बहुत ही दुखद समाचार है। और ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। दिलतरे रियासी जी के न्यूज़, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ओम शांति ओम जरूर लिखें, क्योंकि एक बच्चा था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, काम करने के लिए जो आया था और कहीं ना कहीं ये अभ्यास कर रहा था कि मैं कमाऊंगा, पैसे चार आएंगे, हमारा परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हवा में ही इनका संतुलन जो है वो बिगड़ गया था और नीचे तार के 11 केबी की जो तारे हैं उसकी चपेट में आ गया था और हवा में ही ये लटकता रहा। ये वीडियो में आप साफ तरीके से देख रहे हैं, दर से लगातार ये करा रहा था और हर व्यक्ति इसकी मदद के लिए पहुंचा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसको उस हवा की तारों से जो लटकता रहा था उसे उतारने में। लेकिन बिना देरी किए इसे जीएमसी जम्मू में जिला जो रियासी डॉक्टर हैं उन्होंने रेफर कर दिया था इनकी हालत को देखते हुए। लेकिन दुखद रहा कि ये अपनी जिंदगी और मौत से जंग जो है वो हार गए। कोशिश की जा रही है लगातार, देख सकते हैं हवा में किस तरह से आता 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 चलो 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 चलो।